हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों हमारे गेमर भाइयों के लिए जो कि टैबलेट्स में गेमिंग करना चाहते हैं। सीओडी हो या फिर पबजी हो या फिर फ्री फायर हो या फिर कोई और गेमिंग हो, जो भी आप टैबलेट्स के अंदर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले, आप लॉन्ग टर्म्स तक यहाँ पर गेम इजी तरीके से खेल पाए, तो इस वीडियो में जो बेस्ट गेमिंग टैबलेट्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल है उन्हीं के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कौन सी हैं टैबलेट्स। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैबलेट्स से। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको अच्छी गेमिंग करनी है तो एटलीस्ट आपको 18,000 रुपीज अप्रोक्स खर्च करने होंगे, तभी आप गेमिंग का अच्छे से मजा ले पाएंगे। उसके अलावा जो आपको मैं लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका 18,000 रुपीज से बजट कम है तो आप उन टैबलेट्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको गेमिंग करनी है तो एटलीस्ट 18,000 रुपीज खर्च करें। तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहली टैबलेट से। सबसे पहली टैबलेट आपको देखने को मिल जाती है Redmi Pad। Redmi Pad के अंदर दोस्तों आपको 10.95 इंच की एक 2K IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों यहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट है। बाकी दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर की, जो कि गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर दोस्तों आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हीलियो का G99 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके एंड्रॉइड स्कोर्स एप्रोक्स आपको 450,000 देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों काफी एक अच्छे स्कोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आप गेमिंग वगैरह काफी अच्छे से कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म्स तक भी अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं यहां पर मीडियम ग्राफिक्स में, तो आपकी टैबलेट काफी अच्छा वर्क करेगी। तो आप इस टैबलेट को चूज कर सकते हैं। साथ में यहां पर आपको 8,000 mAh की एप्रोक्स बैटरी देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो दोस्तों ये एप्रोक्स आपको 15999 में देखने को मिल जाती है, 4GB 128GB। लेकिन दोस्तों अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि आप 6 128GB वाला वेरिएंट लीजिएगा, जो कि आपको एप्रोक्स 18,000 रुपीज का पड़ जाएगा। ये काफी अच्छा ऑप्शन होगा अगर आपको एक गेमिंग टैबलेट लेनी है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जहां से आप डिस्काउंट वगैरह पा सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से पहली चॉइस देखने को मिल जाती है Redmi Pad की गेमिंग के लिए। बाकी दोस्तों बढ़ते हैं अगली टैबलेट की तरफ, जो कि आपको Realme की तरफ से देखने को मिलती है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है, जिसका नाम है Realme Pad 2। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहां पर आपको 11.5 इंचेस की एक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर भी अगेन MediaTek की तरफ से आने वाला Helio का G99 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि दोस्तों काफी अच्छा एसओसी है। अगेन यहां पर भी आपको 450,000 एप्रोक्स एंड्रॉइड स्कोर्स देखने को मिल जाते हैं, तो गेमिंग वगैरह का मजा काफी अच्छे से यहां पर उठा पाएंगे। साथ में दोस्तों हाईर रिफ्रेश रेट होने की वजह से यहां पर आपकी जो गेमिंग वगैरह है वो भी काफी स्मूथली हो जाएगी। बाकी यहां पर भी आपको 8,000 एप्रोक्स एमएच की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बुक चार्जिंग का यहां पर सपोर्ट दिया गया है, तो चार्जिंग के दौरान जो आपकी टैबलेट है वो भी कूल रहेगी। बाकी यहां पर आपको 4G वगैरह का भी सपोर्ट दिया गया है, तो इस तरीके से आप नेटवर्क्स का प्रयोग कर भी यहां पर बेसिकली आपको वाईफाई के ऊपर नहीं डिपेंड रहना पड़ेगा इंटरनेट के लिए, तो भी आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों ये आपको Realme Pad 2 भी दूसरा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं तो 19999 से टैबलेट स्टार्ट होती है, तो आप इसको भी डेफिनेटली चूज कर सकते हैं अगर आप गेमिंग के लिए टैबलेट चाहते हैं तो। बाकी दोस्तों बढ़ते हैं अगली टैबलेट की तरफ, जो कि आपको Xiaomi की तरफ से देखने को मिलती है, जिसका नाम है Mi Pad 6। अब दोस्तों Mi Pad 5 भी करंटली मार्केट में देखने को मिल रहा है, लेकिन उसकी प्राइसिंग भी अप्रोक्स आपको 24,000 देखने को मिलती है, तो उसको लेने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि 25,000 रुपीज अप्रोक्स में यहां पर आपको Mi Pad 6 देखने को मिल जाता है। जिसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर आपको 11 इंचेस की एक 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों जो लोग थोड़ा बहुत रिफ्रेश रेट के बारे में जानते हैं उनको पता है अगर इसके अंदर गेमिंग वगैरह की जाए हायर ग्राफिक्स में तो कितना ज्यादा मजा आएगा, यहां पर काफी ज्यादा स्मूथ फील होगा। बाकी बात करें इसके प्रोसेसर की तो यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 870 दिया गया है। जो लोग गेमिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो जानते हैं स्नैपड्रैगन 870 एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर ओवरऑल देखने को मिल जाता है, जो कि सारी की सारी गेमिंग्स, चाहे तो आप यहां पर पबजी खेलें या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी खेलें, इजी तरीके से चल जाएगी, कोई भी लैग सेटर्स यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो स्नैपड्रैगन 870 इस टैबलेट के अंदर दिया गया है। दोस्तों यहां पर भी आपको अप्रोक्स 8,000 mAh की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, तो इस तरीके से आपकी गेमिंग में हेल्प करेगी, आप लॉन्ग लास्ट तक गेम यहां पर खेल पाएंगे। तो स्टेप से दोस्तों एक तीसरी चॉइस देखने को मिल जाती है, आप Mi Pad 6 को डेफिनेटली कंसीडर कीजिएगा अगर आपको 25,000 रुपीस का बजट है। इससे कोई पावरफुल टैबलेट आपको देखने को नहीं मिलती है इस प्राइस सेगमेंट में, चाहे तो वो Samsung की S6 Lite हो, जो कि दोस्तों बिल्कुल बेकार टैबलेट है गेमिंग के लिए, आप उसको बिल्कुल भी चूज मत कीजिएगा। ये टैबलेट मैंने जो आपको बताया Mi Pad 6 डेफिनेटली आपकी गेमिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, तो इसको आप चूज कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी दोस्तों अगर आप गेमिंग का मजा iOS में लेना चाहते हैं यानी कि Apple की टैबलेट्स में लेना चाहते हैं, तो यहां पर आप iPad 9 जनरेशन को खरीद सकते हैं, जो कि 10.2 इंच की यहां पर आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है इस टैबलेट में। बाकी दोस्तों यहां पर आपको A13 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों A13 बायोनिक चिप इतनी ज्यादा अच्छी है यहां पर कि यहां पर आप गेमिंग क्या यहां पर आप कुछ भी काम करेंगे, मतलब जो भी हैवी टास्क होती है वो इजी तरीके से कर सकते हैं। यहां पर आपको कोई लैग सेटर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ऊपर से जो Apple का इकोसिस्टम होता है, बेसिकली जो इनका iOS वगैरह होता है, इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है कि लैग सेटर्स बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलते हैं, स्मूथ यहां पर
कंसिस्टेंट जो फ्रेम रेट है गेमिंग के दौरान वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बोलूँगा कम स्मूथ लग सकता है डिस्प्ले की वजह से, क्योंकि 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है। बाकी लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगी A13 बायोनिक चिप की वजह से। बाकी यहाँ पर आपको 64 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, बैटरी आराम से आपकी 5 से 6 घंटा चल जाएगी। आईपैड में थोड़ी सी बैटरी कम चलती है, लेकिन अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग अप्रोक्स आपको 29,000 रुपीज देखने को मिल जाती है, जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप मी पैड 6 के साथ जाएंगे तो आपका ज्यादा फायदा है। बाकी दोस्तों बढ़ते हैं अगली टैबलेट की तरफ, जो कि आपको देखने को मिल जाती है वन प्लस की तरफ से, जो कि दोस्तों गेमिंग के लिए एक और बेस्ट टैबलेट आपको देखने को मिलती है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहां पर आपको 11 इंचेस की अप्रोक्स 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगेन IPS पैनल है, काफी अच्छी डिस्प्ले ओवरऑल देखने को मिल जाती है, स्मूथनेस वगैरह काफी अच्छी होगी। प्रोसेसर की बात करूं तो यहां पर मीडियाटेक की तरफ से आने वाला डायमेंसिटी का 9000 CPU दिया गया है, जो कि दोस्तों एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं बोलूंगा CPU है। मतलब ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है इसके अंदर काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहां पर आपको गेमिंग के हिसाब से काफी अच्छा ये डिजाइन किया गया है। साथ में यहां पर कुछ यहां पर कूलिंग चैम्बर वगैरह भी देखने को मिल जाता है, तो जो लॉन्ग सेशंस के दौरान यहां पर जो हीट वगैरह मेंटेन रहती है। बाकी दोस्तों यहां पर आपको 6 GB की रैम 128 GB वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है, UFS वाली स्टोरेज है, काफी फास्ट एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। बैटरी दोस्तों यहां पर अप्रोक्स आपको 9000 mAh की देखने को मिल जाती है, तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म्स तक अपनी टैबलेट को एंजॉय कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो अप्रोक्स इसकी 37,000 रुपीज प्राइस देखने को मिल जाती है वन प्लस पैड की, तो ये भी आपको काफी बढ़िया गेमिंग टैबलेट देखने को मिल जाती है, यहां पर आप गेम्स वगैरह काफी अच्छे से खेल पाएंगे। दोस्तों इस टाइप से टॉप 5 टैबलेट्स इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाती है, जिनको आप गेमिंग के लिए परचेस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपका इससे ज्यादा बजट है तो आप कोई भी सैमसंग की टैबलेट लीजिए, फ्लैगशिप वाली जो कि S9 वगैरह देखने को मिल जाती है, उनके अंदर आप गेम्स वगैरह अच्छे से खेल सकते हैं। आईपैड एयर वगैरह आता है, उनको आप खरीद सकते हैं अगर आपका 40,000 रुपीज से आपका बजट है। लेकिन अगर 40,000 से आपका अंडर बजट 40,000 देखने को मिल जाता है तो इनमें से आप कोई चूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये गेमिंग के लिए जो मैं टैबलेट्स आपको बताई आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच।